एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बहुत मजे में होंगे और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्रोकेट ब्लाउज़ के डिज़ाइंस लेकर आई हूँ। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रोकेट ब्लाउज़ होता है वो बहुत ही क्लासी लगता है और उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा जरी वर्क की जो डिटेलिंग होती है वो की गई होती है। तो गाइज, इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कैसे आप ब्रोकेट ब्लाउज़ को वेयर करके अपने लुक को और भी एनहांस कर सकते हैं। और गाइज, ब्रोकेट ब्लाउज़ जब आप प्लेन साड़ी के साथ वेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एंड तक बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे कैसे हम ब्रोकेट ब्लाउज़ को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। अगर आप उसे अपनी प्लेन साड़ी के साथ कहूँ, या शिफॉन साड़ी है, या जॉर्जेट साड़ी है, आप अपनी इस तरीके की साड़ी के साथ उन्हें वेयर करके बहुत ही स्टाइलिश जो है और भी लुक जो है उसका क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप इस फैब्रिक का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ जो है अपने लिए स्टाइल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स है गाइज, जैसे कि आप जो है इसमें फोल्ड शोल्डर स्लीव्स जो होती है वो बनवा सकते हैं, या डिफरेंट लेस का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप बैक में जो है डिफरेंट पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, प्लेन साड़ी के साथ उसे वेयर कर सकते हैं। आप जो नेक है उसे ब्रॉड रख सकते हैं, आप बैक में जो है इस तरीके से कटवर्क का पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर आप बैक में डोरी जो होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज, आप जो है आगे इस तरीके से लेस का यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट लाइन पर जो है लेस यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। गाइज, आप जो है स्लीव्स पे जो है बॉर्डर लगवा सकते हैं, या फिर आप जो है नेट फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए हाई नेक जो है वो बनवा सकते हैं। उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर ऑप्ट कर सकते हैं अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग। आप जिपर जो है वो आगे लगवा सकते हैं, फ्रिल का यूज़ कर सकते हैं स्लीव्स पर। गाइज, इस तरीके से कटवर्क वाला जो है ब्लाउज़ है वो भी आप अपने लिए बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने लिए इस तरीके से जो है चोली स्टाइल में अपने लिए एक ब्लाउज़ बनवा सकते हैं। गाइज, आई एम श्योर कि ये डिज़ाइंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, ब्रोकेट फैब्रिक आपको मोस्टली हर कलर में जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। जैसे इस तरीके से सिल्वर जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, जैसे पिंक कलर है, बहुत ही स्टाइलिश है। और गाइज, इनको प्लेन साड़ी के साथ आप इजीली वेयर कर सकते हैं। आपको पता है प्लेन साड़ी कितनी वर्सेटाइल होती है, मतलब कि सबसे बेस्ट पार्ट है प्लेन साड़ी का कि आप जो है किसी भी ब्लाउज़ के साथ उसे मिक्स एंड मैच करके इजीली वेयर कर सकते हैं। और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट जो फैब्रिक है वो ब्रोकेट फैब्रिक है, अगर आप प्लेन साड़ी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। गाइज, आप ज़रूरी नहीं कि साड़ी के साथ ही इन ब्लाउज़ को बनवाना है, आपको कोई लहंगा है उसके साथ भी आप इन फैब्रिक के साथ अपने लिए ब्लाउज़ को स्टिच करवा सकते हैं। गाइज, जैसे यहाँ पे ब्रेडेड लेस का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नेट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे अगेन जो है कटवर्क दिया गया है और फोल्ड शोल्डर स्लीव बनवाई गई है। यहाँ पे लहंगे के साथ ब्रोकेट फैब्रिक को जो है बनवाया गया है उसका ब्लाउज़। गाइज, आपको इस तरीके का फैब्रिक मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप बॉर्डर वाली साड़ी के साथ भी जो है इस ब्लाउज़ को वेयर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एलिगेंट लुक चाहते हैं तो इस तरीके से गोल्डन कलर में जो है वो, या बेज कलर जो होता है उसमें जो है इसको बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बैक में जो है तीन या चार डोरी जो है उनको बनवा के बहुत खूबसूरती से अपने लिए ब्लाउज को बनवा सकते हैं। आप आगे पोटली बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, आप कंट्रास्ट में जो है अपने ब्लाउज को स्टिच करवा सकते हैं। तो गाइज, आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये डिज़ाइन सारे ही पसंद आएंगे। तो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।